नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी करीब 8 घंटे पहले एमएक्स प्लेयर की जो नई आने वाली वेब सीरीज है रामायण पर आधारित, जिसका नाम है रामयुग, उसके ऑफिशियल ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है। अभी करीब 3 या 4 दिन पहले ही इसके टीजर को भी रिलीज किया गया था, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो में इसके जो डायरेक्टर है कुणाल कोहली, उनके बारे में काफ़ी विस्तार से मैंने चर्चा की है। तो अगर आपको उनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारा वो टीजर रिव्यू ज़रूर ज़रूर देखिए। अब बात करते हैं इसके ट्रेलर के बारे में। अब देखिए, एमएक्स प्लेयर और कुणाल कोहली, इनसे जो कुछ भी मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो कुछ भी मेरे थॉट्स थे, विचार थे इसके ट्रेलर को लेकर कि भाई ऐसा ऐसा इसका ट्रेलर हो सकता है या होगा, जितना मैंने सोचा था उससे 1000 गुना ज़्यादा भयानक एक्सपीरियंस इसके ट्रेलर ने मुझे दिया। मैं सच कहता हूँ, इसका ट्रेलर देखने के बाद में मेरा मन इतना विचलित हो गया, इतना अशांत हो गया कि इसको देखने के तुरंत बाद मैंने यूट्यूब पर रामानंद सागर जी की रामायण को सर्च किया और तुरंत एक एपिसोड देख डाला। प्रभु श्री रामचंद्र जी और अगस्त्य मुनि के मिलन का मैंने एपिसोड देखा और सच कहता हूँ, उस एपिसोड को देखने के बाद, पूरा एपिसोड ही नहीं, इवन केवल एक शुरुआत का एक वाक्य अरुण गोविल जी के मुंह से निकला हुआ केवल एक वाक्य सुनते ही मन को इतनी शांति मिली, ऐसा लगा जैसे तपती हुई मरुभूमि पर शीतल वर्षा हो गई हो, इतनी मन को शांति मिली। और देखिए, किस जीवन में संयम होता है, सदाचार होता है, जिसने जिसका जीवन गुरुजन और संतों की आज्ञा के अनुसार जिसके जीवन का आचरण होता है, जिसके जीवन में साधना और तपस्या का बल होता है, जिसने अपने मन बुद्धि वाणी और इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हुआ होता है, उसकी वाणी में एक शीतलता, शालीनता, विनय, विनम्रता, ये भाव उसकी वाणी से झलकते हैं। उसे सुनते ही हमें अंदर से हमारे मन को एक शांति मिलती है। जैसे कि देखिए, अब इसका एक बस एक मैंने जो अगस्त्य मुनि के मिलन का एपिसोड देखा, एक संवाद, एक वाक्य में बस उसका पढ़ के सुनाता हूँ। हे मुनिन्द्र, वनवास काल में महामुनि भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, अत्रि मुनि, सती शिरोमणि देवी अनुसुईया, सिद्ध जितेंद्रिय शर्वंगादि अनेक मनस्वी तपस्वी महान विभूतियों के सत्संग में व्यतीत घड़िया जन्म जन्मांतर के पुण्य से प्राप्त होती है। देखिए कितना सुंदर शब्दों का चयन है, कितनी सुंदर वाक्य रचना है। और इन सारे भावों को कला के माध्यम से, और वो कला का माध्यम चाहे कोई भी हो, चाहे वो नाट्य हो या रामलीला हो या फिर कोई कथा पुस्तक या कादंबरी हो या फिर कोई फिल्म सीरियल या वेब सीरीज हो, कला का चाहे कोई भी माध्यम हो, उस माध्यम के द्वारा इन सारे भावों को सटीकता से वही व्यक्ति दर्शकों के सामने रख सकता है जिसने रामायण के मूल भाव को आत्मसात किया हो। और रामानंद सागर जी की रामायण के हर एक एपिसोड, हर एक सीन को देखते हुए हम ये अनुभव करते हैं कि हाँ भाई, रामानंद सागर जी ने रामायण का बहुत गहनता से अभ्यास किया है, उन्होंने रामायण के मूल भाव को आत्मसात किया है। पर इसके बिल्कुल विपरीत रामयुग का ट्रेलर अगर हम देखें तो पूरे ट्रेलर में बस चिल्ला चोट मचा कर रखी है, बस सारे कैरेक्टर्स बस चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे कोई गली का कोई टपोर या गुंडा हो, उस प्रकार से यहाँ ये एक्टर्स डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं। यहाँ तक कि हनुमान जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी की भी जो दो संवाद हमें इस ट्रेलर में सुनने को मिलते हैं, वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा चिल्लाकर बोलते हुए दिखाया है, जो कहीं से भी सही नहीं लगता, बहुत ज़्यादा गलत लगता है। जैसे कि देखिए, हनुमान जी एक सिर में रावण के सामने कैसे बोलते हैं, ये चीख नहीं युद्ध की हुंकार है। भाई हनुमान जी परम ज्ञानी है, चारों वेदों के ज्ञाता है। इसके बाद राम जी एक सीन में कैसे उनको बोलते हुए दिखाया, देखिए, आकाश सुने पाताल सुने, मैं सूर्यवंशी रामचंद्र प्रण लेता हूं कि पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त करूंगा। कितना गलत लगता है ये। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी के ज्ञान को आत्मसात किया था, और जो ऐसे आत्मज्ञान को आत्मसात करने वाले ज्ञानी होते हैं, उनकी वाणी में एक शालीनता, शीतलता होती है, उनकी वाणी में वो आवेग नहीं होता और वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, स्थिर रहते हैं। पर वो स्थिर गंभीरता, संयम, शालीनता, विनम्रता, विनय कहीं पर भी हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के पात्र में यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। और डायलॉग्स की अगर हम बात करें तो देखिए, विश्वामित्र जी को एक सीन में क्या बोलते हुए दिखाया है, वे कह रहे हैं कि भाई अशुभ के हाथ में शक्ति नहीं जानी चाहिए, शुभ के हाथ में शक्ति होनी चाहिए और भारत को हमें बचाना है। और मतलब ऐसे कौन से, आपने कहाँ से ये संदर्भ लिए हैं, वाल्मीकि रामायण से संदर्भ लिए हैं, रामचरितमानस से संदर्भ लिए हैं, कहाँ से आपने ये संदर्भ लिए हैं? गुरु विश्वामित्र जी जब ताड़कावत के लिए राम जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर के जाते हैं, तभी वहां पर उनसे कहते हैं कि हे राम, संत, ऋषि, मुनि, ज्ञानी जन, देवता, ये सारे के सारे आज राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित हो गए हैं, यज्ञ आदि जितने भी धर्म कार्य हैं उनमें राक्षस बाधा डाल रहे हैं, तो हे राम, ऐसे में तुम्हारा कर्तव्य है कि संत, ऋषि, मुनि, देवता, इनको राक्षसों के इन अत्याचार से तुम मुक्त करो। ये वहां पर वे कहते हैं ना। पर यहां पर देखिए, विश्वामित्र जी कुछ और ही बोल रहे हैं, और अब इसका संदर्भ उन्होंने कहां से लिया पता नहीं। ये तो हो गई डायलॉग्स की बात। अब वेशभूषा की अगर हम बात करें तो देखिए, विश्वामित्र जी को ही सफेद
सफेद वस्त्र पहने हुए दिखाया है। मतलब जो हमारे ऋषि मुनियों के जो भगवा वस्त्र होते थे उसको उन्होंने बस गायब कर दिया, सफेद वस्त्र में दिखा दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, इन्होंने कहीं पर भी जनेऊ तक नहीं पहना हुआ। तो इसी से हमें पता चलता है कि कितना अभ्यास इन्होंने रामायण का किया हुआ होगा। और प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, इनके जो वनवास जाते समय के जो वस्त्र दिखाए हैं वो इतने मैले कुचले दिखाए हैं, और सीता माता की जो साड़ी वो गुलाबी कलर की साड़ी दिखाई है। मतलब कुछ भी अपने मन के अनुसार आप दिखाए जा रहे हैं। और हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल, मतलब राम जी और लक्ष्मण जी को वो जो एक मॉडर्न हेयर स्टाइल में दिखाया गया है, इवन रावण की भी जो एक ऐसे खड़े बाल ऊपर दिखाए हैं ना, मतलब वो कोई रॉक स्टार वगैरह आप दिखा रहे हैं क्या? मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? ये क्या क्या हेयर स्टाइल, और कहाँ से ऐसे हेयर स्टाइल उस समय? मतलब इतना चीप, इतना चीप। मतलब इसको भी तो मैं बचकाना भी नहीं कह सकता यार। बचकाना किसी चीज को हम तब कह सकते हैं कि भाई किसी से गलती से ऐसी चीज बन गई हो, पर यहां पर ये गलती से बन गया ऐसा नहीं लग रहा। ये डेस्परेटली जानबूझकर ये सब बातें दिखाई गई है इस प्रकार से, ऐसे लग रहा है। और इन सारी बातों के अलावा इसके जो वेपेक्स या कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह है वो तो इतने चीप लगते हैं, इतने चीप लगते हैं कि इससे अच्छा तो वो देखिए, नागिन नाम की एक सीरियल आती है, मैंने उसको देखा तो नहीं है, पर उसके जो कुछ प्रोमो वगैरह मैंने देखे हैं तो वो नागिन सीरियल के वेपेक्स वगैरह इससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इतने चीप वेपेक्स या कंप्यूटर ग्राफिक्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और वो तो मैंने आपको बताया ही, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच का जो युद्ध है वो कैसे दिखाया है। टीजर में हमने देखा ना, जैसे कुछ लोग खो-खो या कबड्डी खेलने के लिए आकर बैठे हो, ऐसे ही कुछ लोगों को ऐसे बुलाकर लेके आए, कुछ भी उनको पहना दिया, ना ढंग के कॉस्ट्यूम है ना मेकअप है, ऐसे ही जैसे वो कबड्डी या खो-खो खेल रहे हैं ऐसे उनको दिखाया है। और इसके अलावा जो कास्टिंग है, चाहे हनुमान जी हो, राम जी हो, लक्ष्मण जी हो, रावण हो, किसी भी पात्र पर कोई सूट ही नहीं कर रहा। मतलब क्या सोचकर उन्होंने इन एक्टर्स को कास्ट किया होगा, ये समझ से परे है। किसी भी एक्टर के चेहरे पर कोई तेज या ऐसे कोई संयम या सदाचार का, तपस्या का तेज हमें उनके चेहरे पर देखने को नहीं मिलता। पूरी तरीके से निस्तेज और डल चेहरे सभी के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इन सारी बातों का सारांश ये निकलता है कि जैसे कि हमें अपेक्षा थी एमएक्स प्लेयर या फिर कुणाल कोहली से, बिल्कुल उसी प्रकार से रामयुग में रामायण को बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। फिर वो चाहे वीएफएक्स हो, कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, या फिर विश्वामित्र जी को सफेद वस्त्रों में दिखाना हो, या फिर राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, इन्हें बिना जनेऊ के दिखाना हो, उन्हें चीखते चिल्लाते हुए दिखाना हो, या फिर उनको मॉडर्न हेयर स्टाइल में दिखाना हो, या इसके डायलॉग्स को जैसे लिखा गया है, एक संवा एक डायलॉग तो आपको बताना रह गया। एक सीन में देखिए, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम मात्र दो है भैया और रावण की सेना असंख्य। ऐसी बात लक्ष्मण जी कभी कह ही नहीं सकते। हाँ, लक्ष्मण जी ये जरूर कह सकते हैं कि भैया आप अभी मुझे आज्ञा करिए और मैं तुरंत रावण और उसकी पूरी सेना को आपके चरणों में लेकर के आऊंगा। ये बात लक्ष्मण जी जरूर कह सकते हैं, पर इतना निराशाजनक वाक्य नहीं, लक्ष्मण जी कभी कह ही नहीं सकते। तो पता नहीं इसके मेकर्स ने कहाँ से कौन से संदर्भ लिए हुए हैं, पता नहीं, मतलब अपने मन का ही कुछ अलग ही रामायण उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक हमें कम से कम ट्रेलर से लग रहा है। बाकी दोस्तों, आपके इस ट्रेलर के बारे में क्या विचार है आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।